हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे 10वीं बेस से या फिर 12वीं बेस से छत्तीसगढ़ पीपीटी का फॉर्म डाले हुए थे, सीजी पीपीटी का फॉर्म डाले हुए थे, उसका प्रवेश पत्र है वो जो आ चुका है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो पीपीटी का फॉर्म है उसका एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, अपने मोबाइल से आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपका पेपर कब है और आप लोग का जो मूल पहचान पत्र है जिससे कि आप लोग एडमिट कार्ड के साथ लेके जाएंगे, वो क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है या कंप्लीट आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम है 29 मई 2022 को है, रविवार को, मतलब संडे को पढ़ रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है। आप लोग 20 तारीख के बाद आप लोग जो व्यापम से, सीजी व्यापम स्टेट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप लोग एक वैलिड पहचान पत्र लेके जाएंगे, अभी आप लोगों के पास वैलिड पहचान पत्र के तौर पर आप लोगों का जो स्कूल का कार्ड है वो होगा या फिर आप लोगों का आधार कार्ड होगा। मैं तो बोलूँगा आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड में फ़ोटो अच्छे से नहीं आता है तो आप लोग एक फ़ोटो भी ले लेंगे और आप लोग मास्क लगाकर जरूर जाएंगे, मास्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है। मास्क लगाकर जाएंगे और अपना जो पानी बॉटल है वो भी ले लेंगे और एक ब्लैक या ब्लू पेन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बबल्स करने पड़ते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन लेना है और आप लोगों को एक पेंसिल ले लेना है, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से अपना जो भी बबल्स है उसको पहले बबल्स कर लो या फिर अगर बाद में गलत होता है तो उसको मिटाकर फिर दूसरा कर सकती हो, इसलिए आप लोग ये सभी चीज़ें रख ले। बिना फेस मास्क का आप लोगों को अंदर जाने का नहीं दिया जाएगा, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखें। अब देखते हैं आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले गूगल में जाना है, वहाँ पर लिखना है cgvyapam.nic.in, इसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा होगा सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में जाना है आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक जैसे ही करेंगे आप लोगों के पास एक यहां पे पेज खुलेगा। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ प्रेस रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, मॉडल आंसर, दावा आपत्ति, रिजल्ट, टेंडर। यहाँ पे देख लीजिए आप, ग्रीन कलर में आप लोगों का एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, एडमिट कार्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को पहले ही ऑप्शन में लिखा होगा पीपीटी प्री एमसीए एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश पत्र। देखिए पहला ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है, ये पहला ऑप्शन है, यहाँ जो न्यू लिखा है उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि तो यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लेगा जो पेज है ओपन होने में। जैसे ही पेज ओपन होता है, जैसे पेज ओपन होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन आईडी का, जो कि आप जब आप एप्लीकेशन दिए थे, आवेदन किए थे, तो उसमें सामने ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ रहता है, पी से स्टार्ट हुआ रहता है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और तीसरा है कैप्चा, कैप्चा आपको डालना पड़ेगा इस ऑप्शन में, पहले में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में डेट ऑफ बर्थ और तीसरे में कैप्चा डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे देख लीजिए, अगर आप लोगों का मान लीजिए अगर आप लोगों का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ भी है तो उसको रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग यहां पे डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में आएंगे, डेट ऑफ बर्थ वाले में आप लोगों का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई, तो आप लोग कैसे डालेंगे, पहले 17 लिख देंगे, फिर जुलाई है तो 07 लिख देंगे, 07 लिखना है आपको, याद रहेगा, ठीक है। अगर 10, 11, 12 है तो आप लोगों को पूरा 10, 11, 12 डालना पड़ेगा। अगर 1 से लेकर 9 तक का है तो 0 के साथ आप लोगों को 01, 02, 03 ऐसे करके डालना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो पहले आप लोग मान लीजिए 17 तारीख को है 17, फिर अगर जुलाई में है तो 07, फिर 2004 है तो 2004 ऐसे करके आप लोग डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपको बताया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैप्चा है, यहाँ पे कैप्चा है SHAME, तो यहाँ पर लिख देंगे SHAME, ठीक है। इसके बाद आप लोग लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और बीच में आप लोगों का ब्लू कलर में लिखा होगा डाउनलोड करके, ब्लू कलर में लिखा होगा डाउनलोड करके, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,